स्वागत करता हूँ आपका। यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान पटवारी, ठीक है। राजस्थान में पटवारी एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। और हमें पता है कि ये जो एग्जाम है ये RSMSSB मतलब राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है, ठीक है। हमें आप पता चलेगा राजस्थान पटवारी बोर्ड पटवार जो एग्जाम होगा उसका लेवल, ठीक है। हमें पता है, हम जानते हैं पूरी RSMSSB के द्वारा जो पेपर बनाए जाते हैं उनका लेवल ही अलग होता है, ठीक है। तो हमें गौर करनी चाहिए इस बात पे, ठीक है। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? मैथमेटिक्स, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस पर राजस्थान पटवारी में आने वाले हैं, ठीक है। उनके बारे में जानकारी लेंगे। आइए देखिए, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि पटवार एग्जाम के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें इतना पता है कि जो एग्जाम करवा रहा है ये राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है, इसलिए लेवल बहुत हार्ड रहेगा, तो हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी। देखिए नंबर वन जो टॉपिक है वो है परसेंटेज, ठीक है। एरिथमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आधार है, ठीक है। गणित का एरिथमेटिक जो मैथमेटिक्स उसका आधार है ये परसेंटेज, ठीक है। इसको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मतलब पढ़ना पड़ेगा, बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसके बिना हम प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एवरेज हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सर, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ये सब इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज पढ़ेंगे, यहाँ पर सबसे नंबर वन जो टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाभ एवं हानि, ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। इस पर कई तरह के हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद में आइए चार साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। हमने पढ़े होंगे लास्ट, अगर किसी ने एग्जाम भी दिया होगा पटवारी एग्जाम, तो उसके अंदर भी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए होंगे, तो इसको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके महत्वपूर्ण जो लगा देता हूँ इंपोर्टेंट, ठीक है, 3 स्टार लगा दिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पटवारी की दृष्टि से। देखिए यूनिटरी मेथड, ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है, लेकिन बहुत इजी है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम इजी वे इसको कर पाएंगे हमारे क्लास में, ठीक है। उसके बाद देखिए औसत टॉपिक, औसत, ठीक है, तो औसत भी हम कर पाएंगे, बहुत ईजी है, कोई इसमें कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद देखिए रेशियो, ठीक है, रेशियो अगर जिसने प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से पढ़ लिया तो वो रेशियो और रेशियो में जो पार्टनरशिप टॉपिक आएगा, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से कर पाएगा। उसके लिए प्रॉफिट और लॉस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम इसको पार्टनरशिप को और मिक्सर को हम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो टॉपिक है, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क और पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा सा अलग हटके, क्षेत्रफल एवं आयतन, ठीक है, 2D और 3D, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है। आइए देखिए परसेंटेज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, क्या क्या आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, स्टार्टिंग कैसे होती है हमारी, आइए देखिए। कुल हम इसके कम से कम 8 से 9 क्लास लेंगे और हम 100 आउट ऑफ इसके क्वेश्चन करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए देखिए हम सबसे जो नंबर वन टॉपिक है हमारा परसेंटेज, वो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हमें 25% की जानकारी होनी चाहिए, नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसको नाम के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरह से काम करता है। हमें दे रखा है यहाँ पे प्रति, क्या दे रखा है, प्रति, इसका मतलब हम जानते हैं कि कोई भी हमने संख्या ले ली, ठीक है, तो ये 1 प्रति क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है। अच्छा सत का मतलब क्या हो गया, ये 100, ठीक है। तो प्रतिशत, देखिए यहाँ पे प्रतिशत का ये हमारे पास साइन होता है, ठीक है। इस साइन का मतलब क्या हुआ कि साइन को हटाना जरूरी होता है इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के प्रतिशत के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस प्रतिशत के साइन को हटाना जरूरी होता है। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1/100 करना पड़ता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, 1 प्रतिशत, बात में बात आगे समझ में, ये हमारा प्रति हो गया, ये सत हो गया, प्रतिशत नाम से डिपेंड करता है किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए देखिए दोस्तों, हमें जो प्रतिशत का सोल्व करना है वो फ्रैक्शन से प्रतिशत में, प्रतिशत से फ्रैक्शन में हमको सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम कर पाएंगे, ठीक है। देखिए देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर करता हूँ, हमारे पास प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करना मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। प्रतिशत से फ्रैक्शन में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आएंगे जो प्रतिशत में हमें दिए हुए होंगे, ठीक है, तो उन्हें हमें करना पड़ेगा फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद में हमें उसका आंसर निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ज्यादातर मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप के आपके पास आते हैं, ठीक है, बात आगे समझ में, तो करते हैं हम, ठीक है। जैसे हमने कोई सा 1% ले लिया है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 20% ले लिया है, ठीक है, तो 20% को हम कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि प्रतिशत आ जाता है, प्रतिशत को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1/100 करना पड़ेगा। अरे यही तो है, इस नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्रति और सत,
बात आ रही समझ में, करिए। 20 दे रखा है हमारे पास, कोई संख्या है 20 है, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में 100 करना पड़ेगा, ठीक है। कितना आ गया है हमारे पास, 1/5 आ गया। बात आ गई होगी समझ में, 20% बराबर क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। वैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए 25% ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 25%, ठीक है, तो सेम वही कंसेप्ट चलेगा हमारा। प्रतिशत हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/4 आ जाएगा। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। ऐसे हम मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 16 से ही 2/3%, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास क्या दे रखा है, इसमें मिक्स रेशियो दे रखा है, ठीक है। इस मिक्स रेशियो को हम क्या करेंगे, प्रॉपर बनाएंगे। सबसे पहले इम्प्रॉपर है हमारे पास, इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। प्रॉपर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको देखो, 16 3 48 + 2 = 50 हो गया, ठीक है। तो 50/3, बात आ रही समझ में। प्रतिशत दे रखा है, अभी तक प्रतिशत लग रहा है हमारे पास, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 100 हो जाएगा। बात आ गई होगी समझ में, 2 टाइम कितना हो गया है, ऊपर 1 बच गया, नीचे 3 2 6। बात आ गई होगी समझ में, क्योंकि ये 16 से ही 2/3 एक इंपॉर्टेंट हमारे पास फ्रैक्शन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, तो उसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। वैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 से ही 2/3, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है हमारे ऊपर, इसलिए इसको हमने सबसे पहले लिया है, ठीक है। करेंगे सबसे पहले, मिक्सर बना हुआ है, इसको प्रॉपर बनाएंगे हम। 6 3 18 + 2 कितना हो गया, 20 हो गया। 20/3 दे रखा है नीचे, प्रतिशत है, प्रतिशत हटा दीजिए कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। 20 से 100 कैंसिल करेंगे, 5 टाइम हो जाएगा, टोटल आ रहा है 3 5 15। बात आ गई होगी समझ में, अच्छा। ऐसे अच्छे एग्जांपल से ये हम करेंगे, ठीक है। वैसे हमें कई तरह के मिलेंगे, हम आगे करते हैं, देखिए। अच्छा यहाँ पर देखिए, प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करना तो हमने सीख लिया है, ठीक है। 20% बराबर कितना हो गया, 1/5 हो गया। बात आ गई होगी समझ में, देखिए 20% बराबर कितना दे रखा है, 1/5 दे रखा है। मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखे हैं, मैंने जो यहाँ पर ये फ्रैक्शन लिख रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें पता है कि फ्रैक्शन अनलिमिटेड है, ठीक है, दुनिया में अनलिमिटेड फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इनको, ये जो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनको आपको लर्न करने की जरूरत है, इनको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इनके थ्रू है ना, हम और भी जो फ्रैक्शन है उनको हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, मेरे पास फ्रैक्शन, जैसे हमने सबसे पहले तो क्या किया है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन सोल्व किया है, हम फ्रैक्शन टू क्या करेंगे, परसेंटेज सोल्व करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमें कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ होगा, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 1/5, ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ पे 1/5 फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में आप बदलिए। परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 100 का डिवाइड करते हैं, जब प्रतिशत हटाना होता है तो 100 का डिवाइड करते हैं, यदि प्रतिशत बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। बात आ गई होगी समझ में, बिल्कुल बेसिक चीजें ये, ठीक है। किसी भी पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, फिर भी एक बार और आप ध्यान दीजिए इनके ऊपर, अच्छे से देखिए। 1/5 का फ्रैक्शन है हमारे पास, 1/5 फ्रैक्शन, इसका परसेंटेज में चेंज किया तो कितना हो गया हमारे पास, 20% हो गया, ठीक है। देखिए जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1/4, ठीक है, परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज बनाने के लिए हम इसको 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, 25% हो जाएगा। बात आ गई होगी समझ में। हम ले लेते हैं जैसे एग्जांपल, जैसे हम यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/6 ले लेते हैं, ठीक है, 1/6 हमने ले लिया यहाँ पे, देखिए जस्ट इसका अपोजिट ले रहा हूँ मैं, मैंने यहाँ से परसेंटेज टू फ्रैक्शन सॉल्व किया, फ्रैक्शन टू ऑस परसेंटेज कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए आप, 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 100/6 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया, इसको कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, कितना हो रहा है हमारे पास, 6 1 6, ठीक है, 6 1 6 हो रहा है। उसके बाद 4 इधर 40 टाइम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 टाइम n 2/3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 16 से 2/3%, इसको हम पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट्स में हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसे करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, अच्छा लगेगा मतलब, ठीक है। देखिए इस टाइप के होंगे हमारे पास फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज करना। बात आ गई होगी समझ में, अब यहाँ पर आइए आप, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, ये क्या दे रखा है हमारे पास, एग्जाम बेस्ड फ्रैक्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो इनको हमें ध्यान में देने की जरूरत होती है, क्योंकि हमें पता है कि अनलिमिटेड फ्रैक्शन है, ठीक है, तो अनलिमिटेड फ्रैक्शन तो हम याद करने से उनको हम इतना याद नहीं कर पाएंगे, हमें सिर्फ इनको ध्यान में रखने की जरूरत है, इनके थ्रू हम और एग्जाम्पल्स मतलब और जो फ्रैक्शन है, ठीक है, उनसे परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन लिए हैं, देखिए
ये फैक्ट्स ले रखे हमने, ठीक है, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, ठीक है। हमें सिर्फ ऐसे फ्रैक्शन आ जाते हैं जिनके देखिए डिवाइड में क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, इसके 5 दे रखा है, 4 एंड 9 दे रखा है, ठीक है। इस टाइप के जैसे फ्रैक्शन आ जाते हैं, मैंने आपको समझाया कि अनलिमिटेड फ्रैक्शन होते हैं, हम उनको याद नहीं कर सकते, ठीक है। हमें सिर्फ ये ध्यान में रखने की जरूरत है, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे हम इनकी हेल्प से, इनको कैसे करेंगे। यहां से देखिए 3/5 दे रखा है, क्या हर में क्या दे रखा है, हमें 5 दे रखा है। यहाँ पर बेस 5 पकड़िए, बेस कितना है इसका 5 है, इस 5 को पकड़िए, बताइए 5 यहाँ पर कहां पर आ रहा है, इस 1/5 का आ रहा है। मतलब ये 3/5 किस परिवार का सदस्य है, इस 1/5 परिवार का सदस्य है। 1/5 मतलब क्या है, हमारे पास 20 है, कितना है 20 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, बराबर कीजिए, इस 1 को 3 में बदलने के लिए 3 का गुणा कर देंगे हम, बताइए कितना आ रहा है, 60%। कोई परेशानी नहीं, आप सोल्व करके देख लीजिए इसको, ठीक है। परसेंटेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है, ये हमने 100 का गुणा कर दिया इसको, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ पर हमारे पास, 20 आ जाएगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है, 60% आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी तो ये हमको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, ठीक है, थोड़ा लंबा लगेगा, हम ये सोचेंगे इससे अच्छा तो यही है, लेकिन जब कुछ जब हम इनको सीख जाएंगे, प्रैक्टिस कर करके हम इनको सीख जाएंगे, तो बहुत सिंपल लगने लग जाएंगे, जैसे कि मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ इनको, बात आई समझ में। 4/5 दे रखा है, बेस कितना दे रखा है 5, किस परिवार का सदस्य है, 1/5 का सदस्य है, यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, क्या करिए बराबर कीजिए इनको, ठीक है। तो बराबर करने के लिए 4 से गुणा करेंगे, बताइए कितना आ जाएगा, 20 को 4 से गुणा करेंगे तो 80% आ जाएगा, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए 3/4 दे रखा है हमें यहाँ पे, ठीक है, किस परिवार का है ये, यहाँ पर बेस कितना देखा है 4 दे रखा है, यहाँ पर देखिए आप 4 बेस 4 किसके पास है, यहाँ पर देखिए हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर नहीं दे रखा है, मैं देख लेता हूँ एक बार, नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि 1/4 बराबर होता है हमारे पास 25%, कितना होता है 25% होता है। तो हमें पता चल गया कि ये किस परिवार का सदस्य है, ये 1/4 परिवार का सदस्य है, ठीक है। 1/4 बराबर कितना होता है, हमें पता है 25% होता है। यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। अरे भाई जब हर हमारे पास सेम दे रखा है तो अंश को भी बराबर करना पड़ेगा, अंश को भी सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, इसको 3 बनाने के लिए इस पूरे को 3 से गुणा करेंगे, बताइए कितना आ रहा है, 75% आ रहा है, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए 4/9 दे रखा है, हमें पता है किस परिवार का सदस्य है, हमें पता है 1/9 परिवार का सदस्य है। 1/9 बराबर कितना दे रखा है हमें, बताइए 1/9 बराबर दे रखा है 11 से, ये 1/9% यहाँ पर दे रखा है ऊपर अंश। अब जब हर समान निकल गए तो अंश को भी समान कीजिए, यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 44/9%, बात आ गई होगी समझ में। आइए नेक्स्ट देखिए और कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं हम इनके आधार पर। देखिए यहाँ पर दे रखा है हमें 5/11 दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले देखना है बेस क्या है, हमारे पास 11 है, तो किस परिवार का सदस्य हो गया, यहाँ पर दिख रहा है हमें 1/11 परिवार का सदस्य हो गया। 1/11 बराबर कितना होता है, 9 से ही 1/11 होता है, कितना होता है 9 से ही 1/11% होता है। बात आगे बढ़ाइए, कितना है यहाँ पर 5 दे रखा है अंश में, यहाँ पर 1 दे रखा है, इसको 5 बनाने के लिए हमें इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, बताइए कितना आ रहा है 9/5 45, फिर 5 को 1 से करेंगे 5/11% आ रहा है, बात समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट देखिए 5/8 दे रखा है हमें, ठीक है, हमें पता है 5/8 बेस क्या दे रखा है इसका 8 दे रखा है, ठीक है। तो किस परिवार का सदस्य है ये, 1/8 परिवार का सदस्य है। हमें पता है 1/8 कितना होता है, 12 से ही 1/2% होता है, बात आ गई होगी समझ में। यहाँ पर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, अरे भाई जब हर को सेम कर दिया तो अंश को भी सेम करो, ठीक है, क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, कीजिए 12/5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इसको करेंगे 5/2% हो जाएगा। मैंने आपको समझाता हूँ, आपको जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर समझाता हूँ कि 60 से 5/2 आ तो रहा है, सही है हमारा, लेकिन यहाँ पर अंश में क्या है, बड़ी संख्या दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, स्मॉलेस्ट दे रखा है, यहाँ पे लार्जेस्ट है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट, जबकि होना क्या चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर में लार्जेस्ट होना चाहिए और न्यूमिनेटर में स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे इसको, ठीक है, कितना आ जाएगा 60+5/2, 5 का आधा, अरे 5 का आधा ही तो दे रखा है ये, 5 का आधा कितना होता है, हमें पता है 2.5 होता है, कितना होता है 2 से ही 1/2 होता है, ठीक है, तोड़ दीजिए इसको भी,
प्लस दो प्लस एक बटे दो, कोई परेशानी नहीं, हम कर सकते हैं बिल्कुल ऐसा, ठीक है, हमें अधिकार है सब करने का, ठीक है। 60 प्लस 2 कर लीजिए कितना हो रहा है, 65 हो रहा है, और 1/2%। बात आ गई होगी समझ में, 5/8 का फ्रैक्ट, 5/8 को परसेंटेज में चेंज करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 62 से ही 1/2% आ जाएगा, ठीक है। देखिए आगे हम कोई और एग्जांपल लेते हैं इस टाइप के, जिससे हमको इस टाइप का समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल सोल्व लिए, जैसे 3/8 बराबर कितना होगा ये हमें बताना है, परसेंटेज में इसको चेंज करना है, ठीक है, फ्रैक्शन दे रखा है। देखिए किस परिवार का सदस्य है ये, 8 बेस आ रहा है इसका, मतलब 1/8 परिवार का सदस्य है। हमें पता है 1/8 बराबर कितना होता है हमारे पास, 12 से ही 1/2% होता है, कितना होता है, 12 से ही 1/2% होता है। यहाँ पर दे रखा है हमें 3 अंश में, यहाँ पर दे रखा है 1, इसको भी 3 बनाइए तो क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, कीजिए 3 से गुणा, 12 3 कितना हो गया, 36 हो जाएगा, ठीक है, और इसको करेंगे 3/2% हो जाएगा। क्या ये सही है, नहीं, इट इज रॉन्ग, ठीक है। एंड इसको सही करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए, 36 और 3 का अलग कितना होता है, हमें पता है 1.5 होता है, 1 से ही 1/2 होता है। देखिए 1 से 1/2 कर दीजिए हमने, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, इसको और ब्रेक कर लीजिए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 37 से ही 1/2%। बात आ गई होगी समझ में, ऐसा हमने क्यों किया है, हमें पता है लास्ट एग्जांपल में मैंने समझाया था आपको कि नीचे डेनोमिनेटर के अंदर हर में स्मॉलेस्ट नहीं लार्जेस्ट रहना चाहिए, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट है, यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर है, यही सही तरीका है इसको करने का। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है हमें 7/15 दे रखा है, हमें पता चाहिए यहाँ पे कि किस परिवार का सदस्य है, हमें यहाँ पर पता है कि 1/15 परिवार का सदस्य है, 1/15 बराबर होता है हमारे पास 6 से ही 2/3%। बात आ गई होगी समझ में, क्या करना है, यहाँ पर 15 15 सेम आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है, इसको भी 7 बनाइए, ये लीजिए हमने 7 का गुणा कर दिया, 7 को 6 से करेंगे, 7 6 कितना हो गया, 42 हो गया, और ये 14/3%। क्या ये सही है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, लार्जेस्ट आ रहा है, यहाँ पर स्मॉलेस्ट आना चाहिए, जबकि इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए, कर लीजिए, ठीक है, 42 और 14/3 कितना होता है हमारा, इसको तोड़ लीजिए, ब्रेक कर लीजिए इसका, तो ये हो रहा है हमारे पास, देखिए बताता हूँ आपको, 3 14 ये हो रहा है हमारे पास 4 से ही 2/3 हो रहा है, ठीक है, 4 से ही 2/3 हो रहा है, देखिए 3 4 12 प्लस 14। बात आगे समझ में, मतलब ये जो दे रखा है भिन्न, इसको मिश्रण बना लीजिए, इसको मिक्सर बना लीजिए, ठीक है, मिक्स रेशियो बना लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको और तोड़ लीजिए आप, कितना हो रहा है हमारे पास, 4 प्लस 2/3, ठीक है, 42 प्लस 4 कितना होता है, हमें पता है 46 होता है, 2/3%। बात आ गई होगी समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, करने में बहुत अच्छा लगा। आइए आगे देखिए, 3/8 दे रखा है यहाँ पे, 3/8 हमने कर लिया है यहाँ पे, अब देखते हैं हम और कोई एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर देख लेता हूँ मैं एक एग्जाम्पल, 5/6, 5/6 को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, इजी है, बिल्कुल जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। किस परिवार का सदस्य है, 1/6 का सदस्य है, वहां पर देख लीजिए आप कितना दे रखा है, यहाँ पे 1/6 बराबर कितना दे रखा है, 16 से ही 2/3% दे रखा है, ठीक है, 16 से ही 2/3% दे रखा है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, इसको 5 बना लीजिए, उसके लिए हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, 16 5 कितना होता है, 80, 16 5 80 होता है, ठीक है, और इसको करेंगे तो 10/3%। ये सही नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से तरीका से जमाना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे उसके लिए हम, 80 10/3 को मिक्सर रेशियो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 से ही 1/3%। बात आगे समझ में, परसेंटेज हम बाद में लगाएंगे, बाद में लगा लेंगे, देखिए 80 प्लस 3 प्लस 1/3, ठीक है, 1/3, ठीक है, कितना हो रहा है, इनको दोनों को जोड़ दीजिए, 83 हो रहा है, 1/3%। देखिए इस टाइप से हम इसके सारे एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, और इस टाइप से हमें इनके क्वेश्चन, तो हमें इनकी जानकारी होना जरूरी होता है, रेशियो से फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, इनकी जानकारी होना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है, इनके द्वारा ही हम आगे के क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। आइए देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम, और देखिए करते हैं हम,
जब हमारे पास इस टाइप के आ जाए, मतलब जो संख्या दे रखी है वो 100 से बढ़कर आ जाए, तो डरने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं, कोई कोई स्टूडेंट जिनको देख के डर जाएंगे, जबकि डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए किस प्रकार सोल्व करेंगे हम। हमें दे रखा है यहाँ पर 106, जो कि हमें पता है कि क्या होता है, 100 से बड़ा होता है, मतलब 100 में कुछ जोड़ेंगे तभी तो आएगा। 100 में कितना जोड़ेंगे, 106 आ जाएगा, 6 जोड़ेंगे, 2/3, और इसके अंदर ऐड कर लीजिए आप। बात समझ में आ गई क्या? दोनों क्या हमारे पास परसेंटेज में है क्या? दोनों जो जो डिजिट आई है हमारे पास वो क्या परसेंटेज में है क्या? बिल्कुल सही परसेंटेज में है। 100% क्या होता है बताइए आप हमें, ठीक है? जब हमें पता है 1/50% कितना होता है, 2% होता है, तो 50 तो आधा है उसका, इसका 100 का आधा है, तो पूरा कर लीजिए उसको, कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा, ठीक है? बात आइए समझ में। प्लस 100% कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। 100% कितना होता है, 1/1 होता है, मतलब 1 होता है। 6 से 2/3, देखिए आप यहाँ पर नहीं मिल रहा होगा आपको, 6 से 2/3 कितना होता है, 1/15 होता है, 1/15 होता है फ्रैक्शन में। इसको सोल्व कीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 17/15, ठीक है, सॉरी 16/15, ठीक है, कितना हो रहा है ये, 16/15 हो रहा है हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर। देखिए हमारे पास जो दे रखा है 457, 1/7%, ठीक है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें पता है 457 कहाँ से आया, 400 + 57 करेंगे तभी तो आएगा, ठीक है, तो 400% को अलग कर लीजिए 57 से ही, 1/7% को अलग कीजिए आप, ठीक है। 400% बराबर क्या आ रहा है, देखो 100% बराबर कितना आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है क्या, तो 400 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 57 से 1/7%, अभी हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था, उसमें किया था हमने कितना, इसका ऑपरेशन कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना हो रहा है हमारे पास, 32/7, इसका फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। वैसे चलते हैं हम, एग्जांपल है हमारे पास थर्ड, 616 से ही 2/3%, ठीक है, ठीक है, इसको कीजिए अब। 616 कितना होता है हमें पता है, 600 + 16 से ही 2/3, ठीक है, हमें पता है दोनों किसमें है, परसेंट में है, किसमें है, परसेंटेज में है, ये देख लीजिए 2/3%। 600 100% बराबर 1 हो जाता है, 600% बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा, प्लस 16 से ही 2/3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 16 से ही 2/3 हमें नहीं पता, तो हम देख लेते हैं 3 किसके पास आ रहा है, 8 से ही 1/3% के पास है, ठीक है, जिसका कितना हो रहा है, 1/12 हो रहा है, ठीक है, तो इसको 2 से गुणा कर लेंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको, 1/12 बराबर हमें दे रखा है 8 से ही 1/3%। बात आ गई समझ में, हमें निकाल, हमें क्या बनाना है यहाँ पर, 8 का क्या बनाना है, 16 बनाना है और 1 का 2 बनाना है, तो ऑब्वियसली 2 का गुणा कर दो इसके अंदर, 2 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 2 का गुणा हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, जबकि हमको ये याद नहीं करना है, इसका फ्रैक्शन निकालना है, इसका फ्रैक्शन ये है, तो इसको कर लीजिए 2/12 कितना हो रहा है, 1/6। बात आगे होगी समझ में, कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, टोटल करेंगे इसको तो आ जाएगा 37/6, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है 366 से 2/3, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 366 क्या हो रहा है, इसके टुकड़े करेंगे तो 300% + 66 से ही 2/3%, ठीक है, 100% बराबर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो 300% बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 66 से ही 2/3, देख लीजिए कितना हो रहा है, हमें पता है यहाँ पे 33 से ही 1/3 कितना हो रहा है, 1/3 है, यहाँ पर निकाल लीजिए आप, मैं छोटा सा यहाँ पर बताता हूँ आपको, छोटा सा यहाँ पर देखिए आप, 1/3 फ्रैक्शन बराबर 33 से ही 1/3% होता है, ठीक है, हमें क्या बनाना है, 33 का तो 66 बनाना है, तो हमें पता है कि 33 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 66 बन जाएगा, और यहाँ पर एक की जगह 2 आ जाएगा, जब हम यहाँ पर 2 से गुणा कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, कितना हो रहा है ये, 2/3 हो रहा है, ठीक है, टोटल करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 9/11/3 फ्रैक्शन हो जाएगा। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है, बहुत अच्छे एग्जांपल्स है, ठीक है, इन्हीं एग्जांपल्स के सहारे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर परसेंटेज के ऊपर जो हम कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे हमारे वृद्धि, ठीक है, और कमी के ऊपर, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं इंक्रीज, ठीक है, वृद्धि और डिक्रीज पर, ठीक है, डिक्रीज कमी पर, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, मतलब परसेंटेज इंक्रीमेंट और परसेंटेज डिक्रीज, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। आइए देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, किसी व्यक्ति की मंथली जो आय है, इनकम है, वो दे रखी है, मैं जैसे मान लीजिए हमें 3000 रुपये दे रखी है, कितनी दे रखी है,
3000 रुपए उसकी मंथली इनकम दे रखी है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि इस मंथली इनकम की 6 से 2/3% की तो प्रतिशत की दर पे क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब पहले महीने तो 3000 रुपए की उसकी इनकम और अगले महीने 6 से 2/3% उसकी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो हमें उसकी जो दूसरे महीने की मंथली जो इनकम है वो बतानी है कितनी होगी। तो देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसी प्रकार से हम इसको बिल्कुल बेसिक तौर पे हम स्टार्टिंग करेंगे इसकी। ठीक है, और एंड तक हम बहुत लेवल हाई करने हमारा, ठीक है, जिस लेवल तक हम पहुंचना चाहते हैं। आइए देखिए इस एग्जाम्पल को कैसे करेंगे हम। हम जानते हैं कि हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे 16 से 2/3% दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस प्रतिशत का हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। देखिए इसको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालिए, फ्रैक्शन निकालना है 6 से 2/3। फ्रैक्शन कितना होता है इसका, 1/15 होता है। कितना होता है, 1/15 होता है। देखिए मैंने जो स्टार्टिंग में यहाँ पे जो क्लास के शुरुआत में जो मैंने स्टार्टिंग किया था वो क्या किया था, परसेंटेज टू फ्रैक्शन सोल्व करना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज सोल्व करना। देखिए यहाँ पर काम में आ रहा है और इन्हीं की हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, इंक्रीमेंट हो जाएगा। बात आ गई होगी समझ में, पहले 15 थी अब कितनी हो जाएगी, 1/16 हो जाएगी। मतलब ये क्या है भाई, नाउ नई इनकम। ठीक है, नई इनकम हो जाएगी। तो देखिए विद वृद्धि कितने की हो रही है हमारे पास, 1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, देखिए हमें दे रखा है कि 15:1। ठीक है, मतलब पहले 15 थी, यहां पर बताइए ये तो क्या हो गया, रेशियो में आ गया। यहां पर जो हमारे पास डिजिट आएगी वो किसमें आएगी, रेशियो में आएगी। और जो रियल जो रियल जो डिजिट रहेगी, रियल जो हमारे पास वैल्यू रहेगी वो यहां पर रहेगी। ठीक है, तो हमें पता है इस 15:1 बराबर कितना दे रखा है हमें, 3000 रुपए। ठीक है, मतलब पहले 15 थी अब 16 हो गई, तो पहले कितनी थी हमारे पास इनकम, 3000 रुपए इनकम थी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 निकालेंगे। मतलब 15:3000 दे रखा है तो हम 1:1 निकालेंगे। हमें पता है 1:1 कितना जाएगा हमारे पास, 200 रुपए दे जाएगा। नाउ इनकम हमारे पास, नई इनकम क्या है, 16 है। कितनी है, 16 है, तो हम 16 निकाल लेंगे। 16 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3200 रुपए आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी कि इसका उत्तर क्या जाएगा, नाउ जो इनकम है, नई जो इनकम आएगी वो क्या आएगी, 3200 रुपए आ जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीज के ऊपर ही ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए हम कुछ जो सॉल्व पेपर जो हमारे पास लास्ट जो पेपर्स जो एग्जाम थे उसके पेपर भी सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो इस प्रकार के हम देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले हम जो सिंपल सिंपल जो बेसिक चीजें वो पढ़ते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास किसी व्यक्ति की इनकम दे रखी है 18000 रुपए। कितनी दे रखी है, 18000 रुपए उसकी इनकम दे रखी है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसकी जो इनकम है वो यहाँ पर बढ़ जाती है कितने परसेंट, 83 से ही। ठीक है, कितनी हो जाती है, 83 से ही 1/3%। ठीक है, वो तो कितने भी बढ़ा सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ले लिया है यहाँ पे 83 से ही 1/3% की प्रतिशत की दर पे क्या हो जाती है, इसका इंक्रीमेंट हो जाता है। तो अब जो नई इनकम है, नेक्स्ट मंथ जो इनकम मिलेगी उसको वो कितनी मिलेगी हमें बताना है। सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पे 83 से ही 1/3% की वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए देखिए हमें यहाँ पर दे रखा 83 से 1/3%। देखिए अब तक हमने 83 से 1/3 को सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की बेस पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 83 से 1/3 का जो फ्रैक्शन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। हमारे पास जो हम मैंने आपको बताया था कि हमें सिर्फ इन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इन चीजों की हेल्प से हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए आप इसका बेस क्या है, 3 है। 3 उठाइए आप, 3 किसके पास है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इसके पास है। ठीक है, परसेंटेज में 3 किसके पास है, इसके पास है 16 से ही 2/3। मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ, 16 से ही 2/3% बराबर कितना दे रखा है हमें, 1/6 दे रखा है। ठीक है, अब कीजिए इसको। ठीक है, 16 में कितने का गुणा करूं, मतलब 16 को हमें क्या बनाना, 83 बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, 16 में देखता हूं, मैं गुणा करता हूं। जैसे मैंने 5 का गुणा कर दिया, किसका गुणा कर दिया मैंने, 5 का गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 और 5 को इससे करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, 80 से 10/3 आ गया, जबकि हमारे पास में यहाँ पर 83 से 1/3 चाहिए मुझे, बिल्कुल हमें पास यही आएगा। लेकिन कैसे आएगा, दिमाग लगाने की देरी है, हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर न्यूमिरेटर में क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है। मैंने आपको कहा था कि न्यूमिरेटर के अंदर तो हमारे पास क्या आना चाहिए, स्मॉलेस्ट आना चाहिए, और इसके पास हमारे पास क्या आना चाहिए, लार्जेस्ट आना चाहिए। बात आ रही होगी समझ में, क्या करेंगे, टुकड़े कर लेंगे, 80
अस्सी, ठीक है, दस, दस बटे तीन को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स बिन के अंदर इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार हो जाएगा ये हमारे पास, प्लस तीन से ही एक बटे तीन हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसको तोड़िए, अस्सी प्लस तीन प्लस एक बटे तीन, बात समझ में आ गई होगी कितना आ रहा है, ये अच्छे से बताता हूँ मैं आपको, दिख रहा नहीं होगा, अस्सी प्लस तीन प्लस एक बटे तीन, बात आ रही होगी समझ में, क्या हो रहा है, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तिरासी से ही एक बटे तीन प्रतिशत, क्या सही है क्या। हमने कितने का गुणा किया था, पांच का गुणा किया था क्या, तो पांच का ही हम इधर गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, पांच का गुणा करने पर पांच बटे छह हो जाएगा क्या, बात सही है क्या, कितना हो जाएगा, पांच बटे छह हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, पांच बटे छह हो जाएगा। हमें पता है क्वेश्चन में दे रखा है कि तिरासी से ही एक बटे तीन की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर इसकी हम वृद्धि कर देंगे, कितना हो जाएगा, पहले छह था, अब वृद्धि कितनी की होगी, पांच की वृद्धि हो गई, मतलब कितना हो गया, बढ़ के ग्यारह हो गया, पहले छह था अब ग्यारह हो गया। हमें पता है जो ये रेशियो है, सिक्स रेशियो किसके बराबर है, अठारह हजार के बराबर है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि पहले हमारे पास जो इनकम थी वो छह रेशियो थी, और यहाँ पर जो इनकम दे रखी है वो अठारह हजार दे रखी, जो पहले की इनकम है, न्यू इनकम जो आएगी वो ग्यारह के बराबर हो जाएगी। तो हम इसको इसको बराबर कर लेते हैं, छह रेशियो बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, अठारह हजार हो जाएगा, ठीक है। वन रेशियो बराबर निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें ग्यारह से गुणा करना है, ग्यारह का निकालना है, इसलिए वन रेशियो बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, तीन हजार रुपए हो जाएगा। हम ग्यारह रेशियो बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तैतीस हजार रुपए हमारे पास नौ इनकम आ जाएगी, बात आ गई होगी समझ में। तो कैसे सोल्व करना है हमें, जो अलग तरीके का थोड़ा सा अलग डिफरेंट हमारे पास, अगर फ्रैक्शन आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है, उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, मैंने आपको समझा दिया है, सिर्फ इनको ध्यान में रखने की जरूरत है और थोड़ा दिमाग यूज करना है, हम कर सकते हैं किसी भी प्रकार के समय को हम कर सकते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट, देखिए वही इनकम वाले क्वेश्चन करता हूँ मैं अभी तक, ठीक है, उन्हीं के तौर पर हम समझ पाएंगे। देखिए हमारे पास इनकम दे रखी है कितनी है, बहत्तर हजार रुपए, कितनी है, बहत्तर हजार रुपए हमारे पास क्या दे रखी है, इसकी इनकम दे रखी है, ठीक है। हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है बहत्तर हजार रुपए इनकम है, और हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसकी जो इनकम है उसमें 116 से ही दो बटे तीन परसेंटेज की वृद्धि होती है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, वृद्धि वाले क्वेश्चन तो हमने कर लिया, मैं थोड़ा कमी वाले क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, किसी की जो इनकम है उसके अंदर हम कमी भी करके देखते हैं, ठीक है। तो कमी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने मान लिया है यहाँ पे, मैं कमी करता हूँ यहाँ पे चौदह से ही दो बटे तीन प्रतिशत की, क्या करता हूँ मैं कमी करता हूँ, ठीक है, चौदह से ही दो बटे तीन प्रतिशत की मैंने क्या किया है यहाँ पे, कमी की है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार करेंगे हम देख लेते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, सबसे पहले जो हमारा काम होगा मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, परसेंटेज दिया हुआ होगा, इस परसेंटेज को हमें सोल्व करना है, ठीक है। 16 से ही दो बटे तीन परसेंटेज दे रखा है, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहला काम यही होगा हमारे पास, अगर फ्रैक्शन दे रखा है तो उसको परसेंटेज बनाने के लिए परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर परसेंटेज दे रखा है और हमें क्या किसकी जरूरत है, फ्रैक्शन की जरूरत है, तो हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चौदह से दो बटे तीन परसेंटेज यहाँ पर देखिए किसके पास आ रहा है, चौदह से दो बटे तीन परसेंटेज का फ्रैक्शन होता है हमारे पास एक बटे सात, ठीक है। क्या हो रही है यहाँ पर बताइए आप, कमी हो रही है क्या, अरे डिग्री जो रहेगी, पहले क्या था सात रेशियो था, ठीक है, कमी कितने की हुई, एक की कमी हुई, कितने हुए छह हुए, पहले सात रेशियो था और पहले इनकम कितनी है थी हमारे बहत्तर हजार रुपए थी, ठीक है, मतलब ये सात रेशियो बराबर किसके आएगा, बहत्तर हजार के आएगा, क्यों आएगा, मैंने आपको बता दिया है कि पहले थी सात, अब एक की कमी हो गई छह हो गया, तो पहले बहत्तर हजार थी, हम किसके बराबर लेंगे, सात के बराबर लेंगे बहत्तर हजार को, ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। तो वन रेशियो निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें सात का भाग दूंगा मैं, ये आ जाएगा मेरे पास वन रेशियो बराबर आ जाएगा 1285.7 रुपए आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, कमी के बाद छह के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें इसको क्या करना है, छह से गुणा कर देंगे, 1285.7 गुणा छह करेंगे तो इसकी जो नौ इनकम है कमी होने के बाद में वो आ जाएगी, देख लीजिए, देखिए इसकी जो नौ इनकम आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी, देख लेता हूँ मैं एक बार, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है पर मिस्टेक तो नहीं है, देख लेता हूँ मैं एक बार इस पर, हाँ मिस्टेक इसमें यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है, 10285.7, अब हमें 6 रेशियो बराबर निकालना है तो हम निकाल लेंगे इसको, देखिए आ जाएगा मेरे पास 6.20, ये हमारे पास 6 रेशियो बराबर आ जाएगा, मतलब एक 14 से ही 2 बटे 3 प्रतिशत की कमी के बाद हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे और कुछ देखते हैं क्या इंपोर्टेंट है हमारे लिए,
देखिए यहाँ पर जो हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर कमी और वृद्धि होती है उसको हम किस प्रकार समझेंगे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई परसेंटेज दे रही है यहाँ पे 16 से ही 2/3% दे रखी है, ठीक है। तो इसमें बताया मैं इसमें दे रखा है कि इसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। किसी क्वेश्चन में मान लीजिए इसकी वृद्धि हो रही है, ठीक है, 16 से 2/3% की, तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमारे इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 16 से 2/3 हमारे पास है, कितना है 1/6 दे रखा है, कितना दे रखा है 1/6 दे रखा है। हमें यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि इतने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो फ्रैक्शन में भी क्या कर देंगे, वृद्धि करेंगे। अब वृद्धि को हम कैसे समझेंगे, देखिए जो नीचे वाला पार्ट होता है वो पहले का पार्ट होता है, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास है, उसके बाद में जो वृद्धि या कमी हो रही है वो ऊपर वाले पर डिपेंड करता है। अगर ऊपर एक है तो मतलब एक की कमी हो रही है, और एक है मतलब यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो एक की क्या हो जाएगी, जैसे वृद्धि, तो एक की वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दे देता है कि 5 दे रखा है, ठीक है, 5 दे रखा है, तो मतलब क्या मानेंगे, 5 की वृद्धि हो रही है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 6 में 5 की वृद्धि करेंगे, मतलब 6 में 5 बढ़ा देंगे तो 11 हो जाएगा। बात आगे समझ इस प्रकार करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास दे रखा है इसका फ्रैक्शन क्या दे रखा है, 1/6 दे रखा है, इसकी वृद्धि दे वृद्धि करने के लिए बोल रहे हैं हमें, तो पहले वाली जो थी इनकम वो 6:1 थी, अब एक की वृद्धि हो गई, मतलब कितना हो गया, 7 हो गया। मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, 6 से ही 2/3%, कितना 6 से ही 2/3%, इसकी क्या बोल रहा है कि कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है। सबसे पहले हम ये देखेंगे 6 से 2/3% क्या होता है, हमारे पास 1/15 होता है। सबसे पहला काम ये करेंगे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, हमें कमी के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि जो नीचे वाला पार्ट होता है वो मतलब पूर्व का पार्ट होता है, मतलब जो पहले हमारे पास ऑलरेडी है, अब चेंज करना है, कमी करना है, तो कमी किसके ऊपर होती है, ऊपर की ऊपर वाली के ऊपर होती है, डिनोमिनेटर के ऊपर होती है। ऊपर वाला पार्ट कितना है, 1 है, तो मतलब 1 की कमी हो रही है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14 हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे मैं कुछ लेता हूँ यहाँ पे, 62 से ही 1/2%, ठीक है, ये बोल रहा है कि इसकी वृद्धि हो रही है। सबसे पहले हम 62 से 1/2 क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे, किसे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा देख लेते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो प्रतिशत में 2 देखिए आप, 2 इसके पास है, ठीक है, हाँ बिल्कुल इसी के पास है, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए 2 इसके पास भी है, तो छोटे डिजिट है तो हम इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। तो 12 है यहाँ पे, 12 से 1/2 दे रखा है, यहाँ पर देख लेता हूँ, 12 से 1/2 दे रखा है, ठीक है। देखिए इसकी जो फ्रैक्शन है वो हमें याद नहीं है, तो इसके फ्रैक्शन में निकालनी पड़ेगी, क्या करेंगे उसके लिए, 12 से 1/2 है, इसमें इसका जो फ्रैक्शन है वो कितना हो रहा है हमारे पास, 1/8 हो रहा है, तो मान लीजिए इसमें कितने का गुणा करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 62 आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले 12 को देखेंगे और 62 को देखेंगे, तो 12 के अंदर कितने का गुणा करूँ कि 62 आ जाए, तो मैं इसमें गुणा करता हूँ 5 का गुणा कर देता हूँ, ठीक है, कितना आया करता हूँ, 5 का गुणा कर देता हूँ, कितना आ जाएगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा, 5 को 1 से करेंगे 5/2, क्या ये सही है क्या, बिल्कुल ये तो आ रहा ही नहीं है क्वेश्चन में, जो दे रखा है वो तो आ रहा ही नहीं है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, हमें पता है यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर लार्जेस्ट दे रखा है जबकि स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 + 2 करेंगे, 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है, क्या सही कर रहा हूँ क्या मैं, ये दोनों प्लस कर सकता हूँ क्या मैं, क्योंकि ये भी हमारे पास एक तरह से प्लस ही होता है, चाहे इसको गुणा करके सोल्व करो या प्लस करके सोल्व करो, बात एक ही है, कितना आ जाएगा, 62 से 1/2 हो जाएगा, क्या कितने का गुणा किया है, 5 का, तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे, मतलब कितना हो गया हमारे पास फ्रैक्शन, 5/8, बात आ रही होगी समझ में। क्या करना है हमें, वृद्धि बतानी है, कैसे वृद्धि, सबसे पहले दे रखा है कि हमारे पास जो भी इनकम या जो भी कोई रेशियो दे रखा है वो 8 के बराबर है, वृद्धि कितने की हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि कर लेंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, बात आगे समझ में। इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आगे कुछ क्वेश्चन लेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही काफी है, काफी कुछ समझने की कोशिश की हमने, कुछ एग्जांपल्स भी किए हैं, ठीक है। तो प्रश्न पटवारी के एग्जाम में जितने भी जिस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो सभी हम यहाँ पर इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।